अलावा एनआरसी का मुद्दा भी अब बीजेपी यहाँ भी उठाने लगी, कह रही बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ पर जो आ रहे हैं फर्जी वोट आप तैयार कर रहे हैं उनका। देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठिया है नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी। उस अडानी को मोदी जी ने ठेका दिलवाया है बांग्लादेश में। झारखंड की जनता की बिजली, देश की जनता की बिजली बांग्लादेशियों को दिलाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को दिया है जिसका नाम है अडानी। तो देश में सबसे बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है? अडानी। पहले अडानी को बुलाओ, अडानी का धंधा बांग्लादेश में रुकवाओ। जितने मोदी के दोस्त बांग्लादेश में धंधा करते हैं पहले वो धंधा बंद करें, नंबर एक बात। नंबर दो बात, बांग्लादेश से सीमा किसकी लगती है? त्रिपुरा की, आसाम की, बंगाल की? सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जिम्मे है। 10 साल से सरकार किसकी है? मोदी जी और अमित शाह की है। ना तो ओबामा की सरकार हिंदुस्तान में है, ना ट्रंप की सरकार हिंदुस्तान में है। यहां तो यशस्वी प्रधानमंत्री, शक्तिशाली, बाहुबली, महामहिम हमारे भगवान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ना। तो बांग्लादेश का घुसपैठिया दिल्ली कैसे पहुंच गया? मोदी जी ने उसको त्रिपुरा में नहीं रोका, आसाम में नहीं रोका, मोदी जी ने उसको बंगाल में भी नहीं रोका। बताइए, वो बांग्लादेश का घुसपैठिया त्रिपुरा से निकला, आसाम से निकला, बंगाल से निकला, बिहार पार किया, झारखंड पार किया, उत्तर प्रदेश पार किया, सारे राज्यों को पार करता 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 वो दिल्ली में आ गया। देखिए कितनी मजेदार बात है। और हमारा बेचारा भोला प्रधानमंत्री और उससे ज्यादा भोला हमारा गृहमंत्री, ये कुछ कर नहीं पाया, इतना बेबस और लाचार है। तो इसलिए ये ड्रामेबाजी मत करो, तुम्हारा दोस्त इस देश का सबसे बड़ा बांग्लादेशी घुसपैठिया है जिसका नाम है अडानी, मोदी का सबसे करीबी दोस्त है, उसको हजारों करोड़ का बिजली का ठेका नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में दिलवाया। पहले वो ठेका कैंसिल कराओ, और कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की यहां जांच कराओगे? क्या बोल के आए भारत के प्रधानमंत्री 50 साल की आजादी पे, जब शेख हसीना बुलाया था नरेंद्र मोदी को? शेख हसीना ने किसी और नेता को नहीं बुलाया हिंदुस्तान के, उसने नरेंद्र मोदी को बुलाया। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हुए, हमारे आदरणीय मोदी जी ने जाके वहां पर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैंने बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल काटी है, मैं बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं। तो भाजपा ही भूल गए ये बात, मोदी बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और तुम यहां बांग्लादेशी घुसपैठिया खोज रहे हो। बांग्लादेशी घुसपैठिया त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से यहां कैसे पहुंचा? पहले इसका जवाब दो। नंबर एक, तुम्हारे दोस्त अडानी को हजारों करोड़ों का ठेका बांग्लादेश में कैसे मिला? पहले इसका जवाब दो। नंबर दो, हिंदुस्तान की जनता की बिजली चोरी करके हजारों मेगावाट बिजली बांग्लादेशियों को मोदी जी और तुम्हारे दोस्त अडानी मोदी जी क्यों दे रहे हैं? तीसरा इसका जवाब दो। और इसके साथ साथ 10 साल में 10 बांग्लादेशियों का नाम बताओ जिसको तुमने हिंदुस्तान से भगाया, बताइए आप। अगर कोई ये एनआरसी और एनआरसी जो आपको लाना है, कानून, नौटंकी, ड्रामा, वो तो आप लोग ड्रामे करते रहते हो, ड्रामेबाज पार्टी है, लेकिन एक चीज ये बताओ आप मुझे कि अगर कोई विदेशी नागरिक दिल्ली में मिल गया, वो फ्रांस का नागरिक है वैध रूप से, यहां रह रहा है, वो नाइजीरिया का नागरिक है अवैध रूप से दिल्ली में रह रहा है, तो उसको केजरीवाल भगाएंगे? उसको कौन भगाएगा भाई? उसको अरविंद केजरीवाल भगाएंगे?
कि मनीष सिसोदिया भगाएंगे, कि गोपाल राय भगाएंगे, कि आतिशी भगाएंगे, कौन भगाएगा उसको? अगर कोई अवैध नागरिक भारत की धरती पर मिलता है तो उसको भगाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अपने पाप और गुनाह सीना ठोक ठोक के भाजपा ही खुद ही गिना रहे। हमको लिस्ट चाहिए एक एक जिले की, 10 साल में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया हिंदुस्तान से तुमने, हिंदुस्तान के अंदर तुमने पकड़े और उनको तुमने भगाया, इसका डिटेल बताओ। और सबसे बड़ा घुसपैठिया बांग्लादेश का